आप हैरान होंगे कि बाज़ चीज़ें इंसान के लिए इबरत बन जाती हैं। अभी इत्तेफाक से चंद दिन पहले सऊदीया के अंदर एक इलाका है, उसी बस्ती में खड़ा होकर वह शख्स वीडियो बना के भिजवा रहा है। कहते हैं मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जब एक माँ को ज़रूरत पड़ गई किडनी की, उसके किडनी फेल हो रहे हैं, तो एक बच्ची को तैयार किया गया कि वो उससे ख़रीदे और रिप्लेस कर दे। और तय क्या हुआ, 30,000 रियाल के एवज़ ये काम हो। अब बच्ची गरीब ख़ानदान में है, किस लिए ये बेचने पे मजबूर, जिस्म का हिस्सा कौन काट के देता है। उसको रात को ही घर ले आए और अलसुबह ये ऑपरेट का मौत था, वादा था। वो रात बच्ची सो नहीं सकी, दुआ सजदे तहज्जुद, क्या सोच रही होगी मेरे साथ क्या होने वाला है। और माँ खुद परेशान थी जिसके लिए उसने सेक्रीफाइस करना था। वो देखती इस बच्ची को क्या हुआ, जब सुबह की नमाज पढ़ी तो पूछती है बेटा आप रात को सोई नहीं, आप क्यों इतनी रो रही हो। कहा सिर्फ गुर्बत है ना, तो मैं अपने जिस्म का हिस्सा दे रही हूँ। माँ ने फौरन अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा इसको पेमेंट करो। कहा हमारा तो ये इत्तेफाक हुआ था कि जब ऑपरेट होगा इसका ये किडनी ले लिया जाएगा उसके बाद पेमेंट होगी। कहा नहीं अभी दो। 30,000 रियाल उसको दिया और कहा बेटा जाओ अपने घर चले जाओ, मैं ये नहीं देख सकती। आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची की खुशी का आलम क्या होगा। उसको फारिग किया, बेटा कह रहा है कि आप क्या कर रही हैं। कहा मैंने जो किया बस कर दिया। माँ को हॉस्पिटल लेके गए, रब ताला ने उसी के किडनी दोबारा हरकत में लिया और बीमारी ख़त्म हो गई।